जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कैसे अपना जो एटीएम पिन जनरेट करेंगे या एटीएम पिन को रिसेट करेंगे, इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एक्सिस बैंक का एटीएम पिन जनरेट करने के लिए तो हम जाएंगे जो मेरा एक्सिस बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन जो है मेरा मोबाइल के अंदर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जो मेरा एप्लीकेशन है एक्सिस बैंक का, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा एक्सिस बैंक जो लॉगिन करने के लिए आगे हो जाता है। जैसे हम लॉगिन का ऑप्शन है कॉर्नर पर, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिन डालने के लिए कहा जा रहा है। जो मेरा एक्सिस बैंक का जो पिन है, पिन को यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद हम लॉगिन कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद जैसे मेरे यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ गया। डैशबोर्ड खुल के आने के बाद यहाँ कॉर्नर पर जो है मोर का ऑप्शन है, उस पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो माय प्रोफाइल, उस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऊपर थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो लाइनिंग का जो ऑप्शन है, उस पर हमको क्लिक करना होगा। तो हम उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ सर्विस सपोर्टेड का ऑप्शन आ गया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए हैं कि यहाँ पर डेबिट कार्ड सेट रीसेट पिन का यहाँ पर ऑप्शन है, तो इस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा जो एटीएम कार्ड जो यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका पिन बनाना है, तो सेट पिन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे कि चार अंक का पिन बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम चार अंक का पिन डाल देते हैं जो आपके लिए सटीक हो, वो पिन यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे कन्फर्म करने के लिए वही पिन दोबारा हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल बैंकिंग का पिन है, वो पिन को यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद आगे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं सक्सेस, मेरा डेबिट कार्ड का पिन सक्सेस हो गया है, पिन जनरेट हो गया है। तो इसी तरह आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप अपना जो एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, वो भी तुरंत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा।